नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर एक बार पुनः नजर डालते हैं। बाढ़ के खतरे से गुजरती है जनता। जी हां, यूपी के हरदोई जिले ब्लॉक 52 थाना लोनार ग्राम पंचायत एजा से रामपुर हमजा की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही खराब है, जिसमें बाढ़ आने से या बारिश होने पर भर जाता है पानी। 10 साल से गुजर रही है जनता, ना ही कोई पुलिया का निर्माण हुआ है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठी जनता। प्रधान से भी जनता ने कहा पर कोई सुनवाई नहीं। जनता कर रहा है सरकार से मांग, आने जाने में आ रही है तकलीफ। प्रतिदिन खतरे से गुजरती है जनता। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। एजा हरदोई से देखे, यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। सुकेता जिसे बोलते हैं, जनता या कई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इधर से गुजरते हैं तो पानी से निकल के गुजरना होता है। यहाँ पे कोई पुल या पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है। देखिए ये दादाजी निकल रहे हैं। एक मिनट दादाजी, आप बताएं कि इसमें आप निकल रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं हो रही आपको? दिक्कत तो बहुत हो रही है, यहाँ कभी कभी तो पैर भी हो जाता है। सुकेता, पैर होता है तो बहुत दिक्कतें आती होंगी आप तो यहाँ से? दिक्कतें इतनी होती हैं, साइकिल वहाँ वो बकरी में रखते हैं, इसके बाद में पैर के जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पानी तो काफ़ी होता होगा, कैसे आप निकलते हैं? तो सुकेता के किनारे रहते हैं, तैर लेते हैं तभी निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो अगर जो कहने का मतलब, जो व्यक्ति तैर नहीं पाता है, ठीक है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ से निकलना मतलब एक तरीके से रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है ना? बंद हो जाता है। जी, आपसे सरकार से आप कहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिया बन जाए तो सबसे अच्छा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवदत्त। कहाँ से आए हैं आप? टीलापुर से। अच्छा, ठीक है। दादाजी, सरकार आप लोगों की जल्दी से जल्दी सहायता करेगी और आप निर्माण कराया जाएगा पुलिया का, जो भी है पुल का। आप लोग, ये बच्चा है, यहाँ बहुत दिक्कत होती है निकलने में। अच्छा, आप लोग भी निकलते हैं इसी से पानी से जाते हैं क्या? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अभय प्रताप। पिताजी का क्या नाम है? गंगाराम। अच्छा, ठीक है। देखिए ऐसे ही गाड़ी लेके आ रहे हैं भैया, इनका नाम पूछते हैं और बताते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। हाँ भैया, कहाँ रहते हैं आप? बदला में। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ ले जाएंगे आप? मानपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा अच्छा, अब ये मानपुर जाएंगे तो ये पानी से निकलेंगे क्या? हाँ, इसी से निकाल के ले जाएंगे। अच्छा, ये जो है कब से ऐसे हर रोज आते जाते हैं या कभी कभी? ये 10-15 साल से हो रहा है यार, ऐसे ही पानी भरा रहता है, लेकिन निकलना होता है, निकलते हैं। जी जी, तो सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इसमें यहाँ पे बड़ी पुलिया बननी चाहिए। अच्छा, तो बाइक ये तो खराब हो जाएगी अब पानी से निकालेंगे? अब निकालें, खराब हो या कुछ हो, निकालना तो जरूरी है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। ऐसे ही सब लोग, जनता सब समस्याओं का सामना करते हुए निकल रही आ जा रही है। सरकार से निवेदन है कि जो है ग्राम एजा से जो है मानपुर की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, ये जल्दी से जल्दी निर्माण हो इसका और जो भी पुलिया या जो भी बनना है वो बनाया जाए। देखें शिवम सिंह की रिपोर्ट एजा हरदोई से। एजा में इंटरलॉकिंग कार्य से ग्रामीण खुश। यूपी के हरदोई जिले, जी हां, ब्लॉक 52 थाना लोनार ग्राम पंचायत एजा मर प्रधान अलग पाल के द्वारा कराया गया इंटरलॉकिंग हुई। भगवान बख्श ने चौहान के मकान में छंगे पंडित के मकान तक, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में नहीं करना पड़ता है कीचड़ का सामना। रास्ता बनने से ग्रामीण खुश नजर आ रहे हैं। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। चलो, फर्स्ट न्यूज इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। ग्राम व पोस्ट एजा हरदोई में प्रधान अलग पाल के द्वारा इंटरलॉकिंग कराई गई, जो कि आने जाने की सुविधाएं सभी लोगों के यहां पहुंच सकें और कोई दिक्कत नहीं होती है आने जाने में। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान अलग पाल द्वारा कार्य कराया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों को
आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी मिली और कर रहे हैं। धन्यवाद। चोरी और हत्याओं की घटनाओं पर लगाम नहीं। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज में अपराध बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे चोरी हो या फिर हत्या, अन्य कोई और अपराध। पिछले कुछ दिनों में ही कई हत्याएं और चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इसका अनुमान जनपद मुख्यालय पर स्थित हीरो एजेंसी पर हुई चोरी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जिला अस्पताल से महज कुछ ही दूरी पर है और मुख्य मार्ग पर स्थित एजेंसी को जिस पर सुरक्षा के इंतजाम होने के बावजूद चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं चोर। चोरी में हजारों रुपए की चोरी तो हुई ही है, साथ ही मोटरसाइकिल की बैटरियां, कल पुर्जे व अन्य सामान के साथ सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया जाता है और डीवीआर भी साथ ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने एजेंसी के शटर के साथ मुख्य शटर को भी तोड़ दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर गली में एक रेडीमेड व्यापारी के यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया था। क्या आपको कितने रुपए की चोरी हुई है? श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी कासगंज थाने के अंतर्गत सोरो गेट चौकी में पड़ता है। उसमें आज सुबह 8:30 बजे चोरी की घटना प्रकाश में आई है और इनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर लिखी जा रही है। साथ में ही हमारे सभी डॉग स्क्वाड और हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और हमारी एसओजी टीम सभी लोग लगे हुए हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी इस चोरी का खुलासा कराएंगे। अंदर सर कितने की चोरी होगी ये पूरा? अभी जब तक ये पूरी चीज़ें सामने नहीं आएंगी तब तक इसमें सर कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है चिकित्सालय। जी हां, हंडिया तहसील के विकास खंड धुनुपुर के ग्राम सभा हरिपुर उर्फ मिश्रपुर में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। चिकित्सालय की दशा अत्यंत जर्जर हो गई है, जहां पर छत से पूरी तरह पानी टपकता है, चिकित्सक भी बाहर बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं। बता दें कि उक्त चिकित्सालय का शिलान्यास 1977 में स्थानीय निवासी पंडित मुरलीधर तिवारी की पहल पर तत्कालीन स्वास्थ्य एवं न्याय मंत्री प्रभु नारायण सिंह ने शिलान्यास किया था। तब से आज तक उस चिकित्सालय की तरफ किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते आज उसकी स्थिति बदहाल हो गई है। वर्तमान समय में चिकित्सक रिटायर हो चुके हैं, चपरासी और सफाई कर्मी को अन्यत्र ड्यूटी में लगा दिया गया है। दवा लेने के लिए आने वाले मरीजों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। वहीं ग्रामीणों ने शासन से ध्यान देने की बात कही है। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुमित तिवारी है। जी आप क्या हैं यहाँ? यहाँ इस गांव के प्रधान का पुत्र हूँ। जी अच्छा, ये बताएं कि ये जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है हरिपुर मनो में, इसकी हालत तो बहुत दयनीय नज़र आ रही है, तो इस पर आप सबकी ओर से कोई व्यवस्था की जा रही है? हम लोग कई बार SDM को ज्ञापन भी दिए इस बारे में, क्योंकि मेरे गांव का अस्पताल है। बड़े भाग्य से यहां पर हॉस्पिटल हुआ तो 1977 में माननीय श्री मुरलीधर तिवारी जी के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उस समय स्वास्थ्य एवं न्याय मंत्री प्रभु नारायण सिंह जी थे। हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन वो आए थे, इसका उद्घाटन किए थे, तभी से हॉस्पिटल चल रहा था। पहले इसका अच्छे से चल रहा था हॉस्पिटल, हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ बहुत पता है, काफ़ी मरीज भी आते थे और हॉस्पिटल का अच्छा था। लेकिन आज के समय पर इतनी दयनीय स्थिति है कि जो इसके पहले डॉक्टर थे वो आते थे और यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, न कि यहाँ पर मरीज भी आ जाए तो यहाँ की स्थिति देखिए कितनी इस समय दयनीय है। अब सरकार से ही, सरकार की मंशा जो भी है कि हॉस्पिटल भी हो, तो हॉस्पिटल ये कहीं ना जाए, क्योंकि मेरे गांव की ज़मीन है, मुरलीधर तिवारी जी की ज़मीन है, उनके पूरे परिवार चाहते हैं कि ज़मीन हॉस्पिटल के नाम दिया जाए और हॉस्पिटल यहीं बने, इसका पूरा जीर्णोद्धार हो। जी आपका नाम क्या है? जी रामेश्वर तिवारी। आप यहाँ क्या है? मैं इस ग्राम का निवासी हूँ, ग्राम सभा हरिपुर मिश्रपुर का जी। और ये जो अस्पताल बना है ये 1977 में बना था, जो कि हमारे दादाजी पंडित मुरलीधर तिवारी जी ने बनवाया था जी। तदुपरांत उस समय 1977 में इसकी स्थापना हुई थी
उस दौरान न्याय एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रभु नारायण सिंह जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद हॉस्पिटल उस स्थिति में ठीक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन विगत ये 10 वर्षों से अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। अब आप लोग आए हैं इतने दूर से, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये अस्पताल इतना जर्जर हो चुका है, चाहे जब ये गिर जाए, चाहे जब अनहोनी की घटना घट सकती है। हमने कई बार SDM हड़िया से ज्ञापन दिया, बाकायदा न्यूज़पेपरों में भी निकला, लेकिन इसका कोई आज तक न कोई शासन प्रशासन से कोई नहीं आया। तो हम लोग गाँववासी और मैं खुद मैं सरकार से अपील करता हूँ, क्योंकि आयुष मंत्रालय जो आयुष विभाग को इस समय सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, और आए दिन अगल बगल गांव के कई ग्रामीण यहाँ आते हैं दवा लेने, और एक दो महीने से यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, जो पहले थे वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ, एक कंपाउंडर एक चपरासी की नियुक्ति हुई है, वर्तमान में वो भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, और जो भी हम लोगों से मदद होगा, गाँव भी मदद करने के लिए तैयार है, और हम खुद ही, क्योंकि सरकार बोल रही है कि ज़मीन सरकार के नाम पर अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, मेरे घर मेरा पूरा परिवार ज़मीन देने के लिए तैयार है सरकार को पुनः। और ये मैं ये चाहता हूँ कि अस्पताल यहीं का यहीं रहे, क्योंकि आए दिन जो मरीज आते हैं आयुष विभाग का दवा लेने, उनको दवा मिले, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब थे यहाँ पर, वो कितने साल हो गया उनको रिटायर्ड हुए? अभी तो डॉक्टर साहब के अभी एक महीने पहले उनकी रिटायरमेंट हुई है। क्या नाम था उनका? उनका नाम पांडे जी करके थे, जौनपुर के। अच्छा, तो क्या यहाँ अभी भी वर्तमान समय में किसी की नियुक्ति है? वर्तमान समय में एक चपरासी एक कंपाउंडर की नियुक्ति हुई है, लेकिन वर्तमान में चपरासी भी नहीं है। वो कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई थी, बोले हैं कि कोरोना के दृष्टिकोण से देखते हुए उनको कहीं इलाहाबाद में उनका नियुक्ति हुआ है, तो इसलिए इस समय वर्तमान में कोई नहीं है। अच्छा, आज बारिश हो रही है, आप लोग देख भी रहे हैं कि छत से पानी टपक रहा है, कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है। मैं आप लोगों के जरिए सरकार से ही प्रार्थना करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि इसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार हो, नहीं कोई अनहोनी घटना घट सकती। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार तिवारी। इसके पहले आप ग्राम प्रधान रहे हैं? हाँ, पूर्व प्रधान थे। तो ये बताएं प्रधान जी कि जो ये आपके यहाँ हरिपुर मिश्रपुर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना हुआ है, वर्तमान समय में तो इसकी हालत बड़ी जर्जर दिखाई पड़ रही है ही भाई। तो आपके समय में कुछ इसके लिए किया गया था? उस समय कुछ नहीं किया गया था, स्टाफ लोग थे, आते थे ड्यूटी करने चले जाते थे, इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या मतलब तब भी जर्जर स्थिति में रही है? जर्जर स्थिति इधर विजन हो गया है, पहले तो भाई ठीक थी, लेकिन अब इधर भाई गड़बड़ी हो रही है। तो अभी आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से यही चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार हो, ये बनी हुई है भाई, हमारे आजा बाबा ने इसको बनवाए थे, और ये बन जाती तो ठीक ही था भाई, किसी तरह से इसका इंतजाम तो होना ही चाहिए था। क्या इसके पहले भी मतलब जब डॉक्टर थे तो यहाँ मरीज वगैरह आते होते थे? बिल्कुल आते हैं, अच्छी तरह से मरीज, समेत मरीजों का भाई रोस्टर बढ़िया बन गया था, लेकिन इस समय स्टाफ भी नहीं है, कोरोना में ड्यूटी लग गई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। पीने की पानी की समस्या, जी हां, राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव बोरखेड़ी में नल पॉइंट धीरे धीरे चलने से ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नल पॉइंट धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे करके आधे घंटे में पूरा नल पॉइंट बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीण को पीने के पानी की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमारे पूरे गाँव में कुल 9 पॉइंट है, जिसमें से सभी तो चलते हैं, लेकिन एक ऐसा ही पॉइंट है जो राम मंदिर के यहाँ स्थित है, वह नहीं चलता, वह धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे करके बूंद भरता है। देखिए हेमरा से मान सिंह नागर की रिपोर्ट। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पानी वो नल चलता है उधर, उसमें आपको क्या समस्या आई है, इसका टाइम क्या है और ये कितना टाइम चलता है और क्या होती है, इसका टाइम क्या है, वो क्या मेरा कोई समझ नहीं है, वो कितना टाइम चलता है, वो
किसी दिन घंटा चल जाता है, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन चलता ही नहीं है। तो इसमें थोड़ी बहुत कम दिख रही है हमको। आपके गाँव में कितना पॉइंट है? पाँच छः पॉइंट है। सबसे कम यही चलता है या सबसे ज़्यादा चलता है? सबसे कम यही चलता है। इनका कहना है कि गाँव में 8-9 पॉइंट है और सबसे कम यही चलता है और थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसको बाल्टी भरने में आपको कितना टाइम लगता है? ये 5 मिनट 10 मिनट। मेरे कैमरा मैन से पूछना चाहूँगी जाए उसको स्प्रिट को और चीज़ें देखिए किस प्रकार से चल रहे हैं अभी। ये इनके लिए स्प्रिट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पहले बच्चे होनी चाहिए। इसकी स्प्रिट कम होने के कारण स्थानीय लोगों को पानी भरने में बहुत समस्या आ रही है। ये धीरे धीरे कितने टाइम तक चलता है? आधा घंटा पौन घंटा। इसमें आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। तो देखिए कुछ दूर दूर चल रहे हैं नल और इनको इनको आपने कंप्लेंट भी की थी जीरो कम लगी 4 बार कर दी कंप्लेंट। इनका कहना है कि इनकी कंप्लेंट भी थी होती थी लेकिन प्रशासन अभी तक इनका ध्यान नहीं दिया। मैं कैमरा मैन अविनाश के साथ मान सिंह नाला कैमरा आत्मिश्चाई। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।